सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, यहां पर हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आपको सभी विषयों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों के लिंक यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कविराज मार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? कविराज मार्ग और रत्न मालिका ये किसके द्वारा लिखित कृतियां हैं, यानी कि इनकी रचनाएं किन्होंने की है? तो कविराज मार्ग के रचनाकार हैं अमोघवर्ष प्रथम और रत्न मालिका के जिनसेन। तो याद रखिएगा कि रत्न मालिका के रचयिता कौन है? जिनसेन है। और कविराज मार्ग के रचयिता कौन है? अमोघवर्ष। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। याद रखिएगा, बहुत ही प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्र कुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारावर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष आदि। क्वेश्चन नंबर 55 है, चोल वंश के चार प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोन्तुक आदि। क्वेश्चन नंबर 56 है, पल्लव कालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। ये कई बार आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखेंगे, वेंगी के चालुक्य के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विष्णु वर्धन था। क्वेश्चन नंबर 58 है, वातापी के चालुक्य के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जय सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, गजनबी वंश को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो प्रत्येक मुसलमान को 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मुहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सल्तनत काल में भारत को क्या कहते थे? यानी कि मुस्लिम कालीन भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये एक गुलाम था और इसे लाख बख्श की उपाधि भी मिली थी। तो आप देखिए, अगला क्वेश्चन यही है कि लाख बख्श की उपाधि किसने किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? देखिए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था, उसे हम चालीसा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने के कारण फिर इसका जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पूर्ण किसने करवाया था, जब पूर्ण आएगा तो इल्तुतमिश वहां पर आएंगे, ठीक है। और अगर ये पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है,
यह शुरू किसने कराया था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना रहेगा। लेकिन अगर पूछता है कि निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश आंसर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? पहली और आखिरी भी दोस्तों ये समझ लीजिए आप लोग, पहली और आखिरी महिला शासिका थी रजिया बेगम। 1236 से लेकर के 1246 तक इन्होंने शासन किया था भारत पर। इसके अलावा और कोई मुस्लिम शासिका नहीं हुई, तो यही एकमात्र सल्तनतकालीन महिला शासिका रही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो खिलजी वंश का शासन काल 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी। क्वेश्चन नंबर 74 है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1313 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी उपनाम से भी पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। चाहे लोदी वंश हो, इसके अलावा गुलाम वंश हो, इन सभी का आप याद रखिएगा कि इनकी स्थापना किसने की थी। जैसे मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य था। क्वेश्चन नंबर 79 है, नूहे सिपेहर तुगलक नामा की रचना किसने की थी? तो इस रचना की थी इसकी अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? पार्ट वन में भी मैंने बताया था कि राज तरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हड़ा। देखिए पार्ट टू में भी ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो सल्तनत काल में देखिए चार कर होते थे, खक्स, जजिया, जकात। यहाँ पर जकात होगा दोस्तों, जकात एवं खराज। क्वेश्चन नंबर 82 है, सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 83 है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज खान ने की थी, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 84 है, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को इसने अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 है, सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो 320 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 88 है, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य की विशालता, बहुत बड़ा साम्राज्य था इसकी दोस्तों, इसकी जो सीमा थी वो अरब तक थी। हमारा देश भारत तो था ही, भारत के आसपास जितने देश थे वो सब पहले एक ही थे, तो इस वजह से बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण उसको संभाल नहीं पाते थे शासक लोग, क्योंकि एक जगह देखते तो एक जगह छूटता। इस तरीके से कहीं ना कहीं सल्तनत काल में जो साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था वो यही था, साम्राज्य की विशालता। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूफी क्या है? अरब में व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे, उन्हें सूफी पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। जैसे कि सूफी संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, रस खान हुए हैं, रहीम है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? मुस्लिम संप्रदाय का, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों ने खान काह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। क्वेश्चन नंबर 95 है, भक्ति संतों का मूलाधार क्या था?
ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। तो चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे मीरा हो, ये सभी क्या थे? ये सभी भक्ति संत थे। भक्ति काल में इन सभी लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। सभी लोग अपने अपने विचारधारा रखते थे, सभी लोग अपने अपने उपदेश देते थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानुज, निंबार के सभी प्रमुख संत थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज किया? तो टोटल 14 शासकों ने राज किया। क्वेश्चन नंबर 99 है, बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया था? एथनेसियम निकितिन, ये आए थे बहमनी राज्य में भ्रमण के लिए। कहां से? रूस से। क्वेश्चन नंबर 100 है, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो 5, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 101 है, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्ग, यहाँ पर गुलबर्गा लिखा हुआ है लेकिन गुलबर्ग आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 104 है, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो टोटल 6 प्रांतों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 105 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए? धन्वंतरी, अमर सिंह, शक, वेताल भट्ट और कालिदास। क्वेश्चन नंबर 106 है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित दो नाटकों का नाम लिखिए? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। तो मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस रचना है इनकी, आप लोगों को पता भी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक भ्रमण पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, चंद्रवर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र दिवस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके सेकेंड पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं A to Z आपको सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपको कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी विषय में फिर भी आप पूछ सकते हैं हमसे। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहना होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अगर आपको इसकी PDF फ्री चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।